यार वो चाहे संडे इवनिंग राइड हो या फिर संडे मॉर्निंग राइड हो, संडे राइड मतलब पूरा धमाल मस्ती यार। দেখতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য, মানে কোন টাইমটা তুমি বলবে প্রেফার করবে? কাকু এখানে অনেক জল, ডুবে যাবে না মানুষ? হ্যাঁ বলতে বো অ্যানাকোন্ডা মানে দেখা না, সে জায়গা ভি বহুত ফাড়ু লাগ রহা হ্যাভি। সাইড পে আপকো ইয়েই ফুল দেখনে কো মিলেগা, তো কাফি আচ্ছা ভিউ লাগতা স্ট্যাম পে। কখন এরকম হয়েছে ধরুন কেউ বোস থেকে ডিসব্যালেন্স হয়ে নৌকো উল্টে গেছে? সানসেট কা ভিউ কিতনা খুবসুরত লাগ রহা হ্যাভি ফিলহাল। আর আবি হাম লোগ জা রহে হ্যায় ইস সাইড, ঠিক হ্যায়, মতলব ইস সাইড পে ঘুমনা হ্যায়। धूल देखा गाइस, बाप रे बाप। एनीवे गाइस मैं तो इंट्रो करना भूल ही गया, सो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज भी जाने वाला हूँ मैं और एक खूबसूरत जगह पे। 10 दिन में मैंने एक भी ब्लॉग नहीं डाला, बहुत तेज़ बुखार से भी उठा हूँ मैं और आज भी तबीयत पूरा सही नहीं है, मतलब लगभग सही हो चुका है, होप कि जल्दी से जल्दी मैं सही हो जाऊँ। यार वो चाहे संडे इवनिंग राइड हो या फिर संडे मॉर्निंग राइड हो, संडे राइड मतलब पूरा धमाल मस्ती यार। रास्ते पे पूरा काम चल रहा है, पता नहीं काम कब ख़त्म होगा, लेकिन यार जब भी ख़त्म होगा ना यार बहुत अच्छा लगेगा इस रास्ते पे राइड करते हुए, क्योंकि अभी कितना लेन चौड़ा हो चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है ऐसे लेन पर बाइक चला के। हर संडे मैं किधर भी जाता हूँ, मेरे घर से काफ़ी दूर रहता है वो जगह, लेकिन फर्स्ट संडे ऐसा हुआ कि मैं ऐसे जगह पर जा रहा हूँ जो मेरे घर के बहुत ही सामने बहुत नज़दीक पड़ता है। 3:30 बजे मैं निकल गया, जनरली मैं 2-2:30 बजे निकल जाता हूँ घर से क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे चलाऊँ तो और भी नहीं लगता है, ठीक है ना? अगर आप ऐसे बाइक चलाओगे ना तो टाइम लगेगा ही नहीं, पूरा टाइम पूरा ऐसे ही आप चले जा सकते हो। लगभग हम लोग आ चुके हैं, लगभग मतलब लगभग 50% रास्ता हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। गाइस मुझे इस वीडियो पे एक चीज़ अनाउंस भी करना है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो चुका है और मैं आज तक एक भी लॉन्ग राइड नहीं किया हूँ, मतलब दूर किसी जगह पे मैं आज तक गया नहीं हूँ। तो यार मेरा सब्सक्राइबर काउंट अप्रॉक्स 600 के आसपास है, तो अगर आप 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कम्प्लीट करवा देते हो तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस विंटर में मैं एक लॉन्ग राइड के बारे में मैं सोच सकता हूँ, और सोच सकता हूँ नहीं, मैं पक्का लॉन्ग राइड पे जाऊँगा। ये लोग जेब में मौत का टिकट लेके घूमते हैं, और बस 5 मिनट हुआ है गाइस, देखो यार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब थोड़ा अंदर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है ये भाई, यहाँ पे रास्ते का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। पहले बोत्री बिल्टा कौन देगा? भाई इतना पतला रास्ता और ऊपर से यार लोग पूरा ऐसे खड़ा होकर बात करते हैं। अच्छा अब लग रहा है कि आसपास ही हो, आपको बोत्री बिल्टा दिखे ना? वाह जगह तो बहुत खूबसूरत है भाई। क्या जगह है यार, मैं घर से 3:30 बजे निकला, बस 1/2 घंटा हुआ है अभी, 4:05 हुआ है बस और मैं पहुंच चुका हूँ यार। हेलो, हाँ हाँ क्या बोला था?
নৌকা ঘুরবে নৌকা করে হ্যাঁ একটু ওই সাইডটা ঘুরে নি ওই আমাদের নৌকা আছে ঠিক আছে আচ্ছা যাও তো চল চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি আমি একটু ঘুরে নি একটু ঘুরে আসি बाप रे बाप गाड़ी बहुत हीट हो चुका है भाई इतना सा डिस्टेंस में गाड़ी इतना हीट हो चुका है यार मुझे खुद पता नहीं था मतलब मेरे घर से नज़दीक इतना खूबसूरत जगह है भाई और थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन है एक तो घूरे नहीं सामने दिखे एक तो घूरे नहीं सामने दिखे यहाँ पे लोग पूरा से पकड़ पकड़ रहे यार मेरे नाव पे बैठो मेरे नाव पे बैठो अरे बस यहाँ पे भी चाय का स्टॉल यार जगह बहुत मस्त लगा मुझे थोड़ा कीचड़ है लेकिन सही है বলছি কত কোন নৌকা দাদা নৌকা কত করে একজন কত বড় হবে একজন যাবে দুশো টাকা দেবে কতক্ষণ ঘোরাবে গো আধা ঘন্টা কতটা জায়গা অনেক বড় জায়গা কি অনেক বড় জায়গা আর বাইকটা এখানে থাকলে অসুবিধা হবে কোনো আচ্ছা কোন নৌকাটা যাবে এটা হবে কাকু হিন্দিতে কথা বলতে পারো হিন্দিতে কথা বলতে পারো हिंदी बोलते हो ना तो नाव ऐसे हिल जा रहा है और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ जाऊँ तो नाव इस तरफ हिल जा रहा है यार और ऊपर से मुझे तैरना भी नहीं आता तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई लेकिन कोई बात नहीं अगर आप बैलेंस करके सेंटर पे बैठते हो तो ऐसे बैठो और आगे बस व्यू का ऐसे इंजॉय करो अंकल मतलब कौन सा टाइम आने का मतलब सबसे अच्छा व्यू मिलता है मतलब कौन समय आसले सब तक भालो देखते पा जाए सुंदर जो मैंने कौन टाइम टा तुम्ही बोल बे प्रेफर कर बे आर बिकल वाला ओ अच्छा मतलब एक उन जरूर कम जॉल आते हैं रकम सब समय जॉल था के मैंने सब समय मैंने दारो तुम्हार ये ते स्प्रिंग के टाइम है बसंत काले मतलब गाइस यहाँ पे आने का ऐसे कोई वर्क नहीं है ठीक है आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे ठीक है मैंने सोचा था कि अभी शायद बारिश का टाइम है तो इसी वजह से ये भरा पड़ा हुआ है पानी में लेकिन नहीं पानी मतलब हर टाइम पे रहता है और यहाँ पे देखो बस अब दो लोग भी साथ भी आ सकते हो मतलब अकेले भी आ सकते हो जैसे मैं देखो यहाँ पे अकेला आ चुका हूँ भाड़ा का इसे यहाँ पे अंकल ने इतना बोला कि एक बंदे का 200 अगर जितना बंदा ज़्यादा होगा उतना आपको भाड़ा कम देना पड़ेगा तो फिर अगर 5 लोगों के साथ आते हो आप तो अप्रॉक्स 100 करके पड़ता है तो टोटल पड़ेगा 500 मैं अकेला आया हूँ इसी वजह से मेरे को 200 पड़ा काकू तीन जन होले कत कत पड़े तीन जन होले 300 ना 350 400 ओके काकू एखाने अनेक जल डूबे जाबे ना मानुष हाँ यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है भाई और ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता और नाव जो है ना धीरे धीरे हिल रहा है और मैं मतलब ऐसे जगह पे आके ना मैं थोड़ा वो क्या बोलते वो एनाकोंडा मैंने देखा ना तो वो टाइप फीलिंग्स आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ऐसे झाड़ियों के बीच से आएगा और बस ख़त्म टाटा बाय बाय उसके बाद तो आओ यार ये जगह भी बहुत फाड़ू लग रहा है अभी वाओ गाइस एक चीज़ है अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आओ डेफिनेटली आओ यार प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सुबह के टाइम पे आओ क्योंकि अभी शाम के टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मुझे पता नहीं था यहाँ पे बहुत सारा फूल था ठीक है वो सारा फूल खिलता है सुबह को मतलब सुबह पे आप अगर सुबह के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो ना
तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पूरा हर तरफ आपको बस वो फूल ही फूल देखने को मिलेगा, पूरा बहुत खूबसूरत सा व्यू लगता है उस टाइम पे। तो अभी तो शाम के टाइम पे मैं अभी आ चुका हूँ और अभी मुझे पता नहीं था ये चीज़, और सारा फूल ऑलरेडी मतलब अभी सुबह का टाइम खिलता है, अभी तो फिलहाल शाम है, तो व्यू अच्छा है, लेकिन अगर वो भी व्यू मुझे मिल जाता तो अभी तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अगले बार आएंगे और ज़रूर सुबह के टाइम पे आएंगे। अच्छा अच्छा बुझते पे। কখন এরকম হয়েছে ধরুন কেউ বোস থেকে ডিসব্যালেন্স হয়ে নৌকো উল্টে গেছে, কখন এরকম হয়েছে আজ পর্যন্ত? কখনো হয়নি না। আর নৌকো উল্টা হয় না এরকম। এই যে ফুল হ্যাঁ, ইয়ে ফুল খিলতা হয় সুবহ কে টাইম পে, আর ইয়েই ফুল কা মে বাত কর রাহা থা আপ লোগো সে। সুবহ কে টাইম মে ইয়ে ফুল খুলতা হয় আর পুরা পুরা একদম ঝিল কে হর সাইড পে আপকো ইয়েই ফুল দেখনে কো মিলেগা, তো কাফি আচ্ছা ভিউ লাগতা উস টাইম পে। हम लोग यहाँ से जर्नी शुरू किए, ठीक है, उसके बाद हम लोग वो साइड जो है हम लोग वहाँ पे घूमे, ठीक है, उसके बाद अभी तो देख सकते हो अभी सनसेट का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है अभी फ़िलहाल। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड, ठीक है, मतलब इस साइड पे घूमना है, मतलब बहुत बड़ा जगह है गाइस, मतलब काफ़ी टाइम लगता है घूमने में, पानी बहुत कम है यहाँ पर, मतलब शायद इतना सा पानी होगा यहाँ पर, पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ लेते हैं, सामने का नज़ारा ले लेते हैं थोड़ा बहुत, बहुत खूबसूरत है पूरा, मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तब थोड़ा सन का कलर जो है थोड़ा येलोश टाइप था, थोड़ा वाइट वाइट टाइप था, लेकिन अभी फ़िलहाल पूरा ऑरेंज हो चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी स्पेशली ये वाला साइड। और इसी वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आसमान का कलर ब्लू और बीच पे वायलेट और आगे रेड, इसी वजह से इतना खूबसूरत लग रहा है। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर लोग अपने घर के आसपास किसी भी जगह पे अगर वीकेंड स्पेंड करना चाहते हो तो आप मतलब बिना हिचकिचाए यहाँ पे आ सकते हो। A few minutes later. से हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे बस प्रॉब्लम एक ही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। और जहाँ पे कीचड़ ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका बाइक का जो पिछला वाला टायर है वो स्कीड खा जाए, तो लाइक यहाँ पे ही देखो। लेकिन एक चीज़ है यार, यहाँ पे तगड़ा रिएक्शन मिल जाता है। बस यही तो चाहिए भाई, रिएक्शन मिलेगा तो बस। A little longer than a few minutes later. तो यार देख सकते हो जैसे अंधेरा हो चुका है पूरा, और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अभी फिलहाल, हाईवे पे ही मैं हूँ। आज बहुत सारा रील्स भी खींचा और फोटो भी मैंने खींचा, तो ये सारा रील्स और फोटो जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आएगा, सो आप लोग वो देख सकते हो, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना पड़ेगा।
मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दुर्लभ कुंडू DURLOV_KUNDU। अभी शायद स्क्रीन के नीचे भी आ रहा है और मैं इसलिए हमेशा डेली रील डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग चाहते हो तो जाके मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो अभी बढ़ते हैं घर की तरफ।